रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमने अभी तीन किस्म की मोशंस को स्टडी किया। रोटेशनल मोशन में तीन किस्म से बॉडी मूव कर सकती हैं। पहली प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन का मतलब बॉडी बिल्कुल भी घूमेगी नहीं, और बॉडी कैसे मूव करेगी, बिल्कुल स्लाइड करेगी या ट्रांसलेट करेगी, बात ही खत्म है। तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास। दूसरी किस्म की बॉडी, बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, प्योर रोटेशन, खड़ी खड़ी घूमेगी बस, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तीसरी जो मोशन है वो है रोलिंग, रोलिंग में आगे भी जाएगी, ट्रांसलेशन भी होगी एंड रोटेशन भी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन में सारा काम सिर्फ और सिर्फ किस पे किया जाता है, सेंटर ऑफ मास पे। सारा मास बॉडी का कहाँ पर पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे। और टोटल एनर्जी काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वेयर वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर बॉडी बिल्कुल भी घूमती नहीं है और सिर्फ क्या करती है, ट्रांसलेट करती है, तो उसका ट्रांसलेशन का एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। पॉइंट नंबर वन क्लियर। पॉइंट नंबर टू, अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी सिर्फ घूमती है, जैसे पंखा खड़ा खड़ा घूम रहा है, दिस इज केस ऑफ प्योर रोटेशन, दिस इज नॉट रोलिंग, सिर्फ खड़ी खड़ी घूमती है, तो जो काम इनफॉर्मल तरीका, जो काम ट्रांसलेशन में मास यानी कि इनर्शिया करता था, वो काम कौन करेगा यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम की जगह आई हो जाएगा, और जो काम वी करता था वो काम ओमेगा करेगा। तो अगर मैं ये बोलूँ इस पंखे की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पंखे का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, वो तो एक्सिस पे स्टेशनरी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर कोई टायर रोल करता है तो फिर दोनों मोशन हैं, सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन में भी है एंड रोटेशन भी है। तो ट्रांसलेशन की एनर्जी सेंटर ऑफ मास की क्या लगेगी, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और रोटेशनल की एनर्जी क्या लगेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल रोटेशनल एनर्जी की इन केस ऑफ रोलिंग। रोलिंग में दोनों एनर्जी का सम आपने लेना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अब ये आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, प्योर ट्रांसलेशन है, प्योर रोटेशन है, या फिर रोलिंग है, मेंशन होगा उसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? लेकिन ये तरीका ना हुआ बताने का कि जो मास काम करता है वो आई कर देगा, जो वी करता है वो ओमेगा कर देगा, लेकिन मैं यूज़ ज़रूर करता हूँ क्योंकि सबसे आसान मेरे को यही लगता है, क्योंकि रिलेट करना बहुत आसान है, आप अपनी मोशन और वर्क पार के साथ इन चीज़ों को एक मिनट में रिलेट कर लेते हो। तो इसका जो प्रूफ है, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जस्ट एक फॉर्मल प्रूफ है, आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ। तो जस्ट एक बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है, इट इज़ अ रिजिड बॉडी, हर इस बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन, और इसकी जो घूमने की वेलोसिटी है वो ओमेगा है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी वी वन होगी, इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर वन, इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर टू, तो ये वी वन है और ये वी टू है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, सेकेंड की हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, अप टू हाफ एम एन वी एन स्क्वायर। अब आपको पता है कि वी वन क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का आर वन इंटू ओमेगा, वी टू क्या है आर टू इंटू ओमेगा, वी एन क्या है आर एन इंटू ओमेगा। स्क्वायर को ओपन कर दो तो क्या बनेगा, ये टर्म आ गई, इसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम एन आर एन स्क्वायर। और सबको पता है कि इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो ये इसका प्रूफ है, पर आपको मेनली इसकी एप्लीकेशन आती है, ये प्रूफ तो नहीं आता कि हाउ टू डराइव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो कोई क्या ही पूछेगा आपसे। बट आपको समझ में आ रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे काम करती है। अब हमने क्या किया अभी तक, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में क्या सीखा कि टोटल एनर्जी रोल करती हुई बॉडी की इज सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या सीखा, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। रोटेशनल प्योर रोटेशन में एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? और अगर रोलिंग की एनर्जी आ जाए, बॉडी रोल कर रही है, उसकी टोटल एनर्जी इसके इक्वल है, बात खत्म। तो आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी कुछ भी हो सकती है, रिंग स्फीयर एनीथिंग, तो आई के लिए सिंपली क्या पुट कर दिया, एम के स्क्वायर वेयर के इज रेडियस ऑफ वाइब्रेशन, एम के स्क्वायर। और प्योर रोलिंग में एक फॉर्मूला हमने नोट किया था जो हमेशा एप्लीकेबल है, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा।
तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, वी सेंटर ऑफ मास बाय आर। इस ओमेगा की जगह पुट करेंगे वी सेंटर ऑफ मास बाय आर, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो टर्म आएगी, यहां से कॉमन निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा। मैं अपने न्यूमेरिकल में ये यूज करने की बजाय ये यूज करना पसंद करता हूं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये भी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है रोलिंग में, और ये भी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है रोलिंग में, क्योंकि मेरे को मेरे न्यूमेरिकल में अगर स्फेयर दे दिया तो मैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लूंगा, 2/5। अगर मेरे को क्या दे दिया, डिस्क दे दिया, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ, और अगर रिंग दे दी तो 1। सिंपल है। तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए, मेरे लिए एक शॉर्टकट तैयार हो गया, और आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्यों किया। हमारे न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाएंगे अगर आपको ये याद है। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लें, टोटल एनर्जी का प्योर रोलिंग में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों नोट कर लें। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है, और इसकी सिर्फ एप्लीकेशन और कुछ नहीं है, इसको यूज़ कैसे करना है।